उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क घटना के दौरान 6 दोस्तों को मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी के सभी एक धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रहे एक ट्रक से जा भिड़ी है। इस घटना के दौरान कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और सभी दोस्त कैची धाम के दर्शन करने के लिए निकले थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी को बाहर निकाला है और यह घटना रात करीब 12:30 बजे की है और कार गाजियाबाद से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी और टोल प्लाजा के पास पहुंचने के बाद अनियंत्रित होकर दूसरी लाइन में चली गई है। जिसके दौरान बताया जा रहा है कि मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि वहां पर तेज आवाज आई थी और नींद खुलने के बाद मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद मशक्कत की है और सभी को बाहर निकाला गया। लेकिन इस घटना के बाद 6 जनों को ही मृत घोषित कर दिया गया है। लोगों ने बताया कि इस घटना के बाद नेशनल हाईवे पर 1 घंटे तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और जाम की वजह से राहगीर घंटों परेशान रहे। लेकिन मौके पर भारी पुलिस पहुंची है और यातायात को सुचारू कर गया है और बताया जा रहा है कि इस घटना में सभी के सभी 7 दोस्त थे और इनमें से 6 जनों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 1 जने का इलाज चल रहा है। उसने बताया कि कार का टायर फटने की वजह से इस बड़ी घटना को अंजाम मिला है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।